बात करने वाली हूँ महाभारत मूवी के बारे में। तो दोस्तों, क्या SS राजामौली पहले ऐसे डायरेक्टर होने जा रहे हैं जो महाभारत जैसी महाकाव्य को बड़े पर्दे पर उतारते नजर आएंगे? आखिर कौन है वे डायरेक्टर जिसने 60 के दशक में महाभारत को पहली बार बड़े पर्दे पर उतारा था? दोस्तों, महाभारत हिंदुस्तान के दो महाकाव्यों में से एक है। महाभारत अपने आप में एक कहानी न होकर महागाथा है जिसमें इंसान को संसार का सार मिलता है। महाभारत अपने मौजूदा समय का सबसे लंबा लिखे जाने वाला ग्रंथ है जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ये कहानी भारत में हुए सबसे बड़े युद्ध की कहानी है जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत की कहानी वेदव्यास ने अपनी आंखों से देखी थी। वही इतनी बड़ी गाथा को लिखने के लिए उन्होंने भगवान गणेश की मदद भी मांगी थी। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ की कहानी से श्री भगवत गीता भी ली गई है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। दोस्तों, यूट्यूब बॉलीवुड की कई फिल्में महाभारत की कहानी में कुछ अंश से लेकर बनाई गई हैं, पर महाभारत की पूरी कहानी को बड़े पर्दे पर एक साथ उतारने की हिम्मत बहुत कम निर्देशक कर पाए हैं। वहीं बात करें हिंदी फिल्म के निर्देशक की, तो महाभारत फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने वाले पहले निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री थे। दोस्तों, बाबू भाई मिस्त्री ने सन 1965 में इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म में अभि भट्टाचार्य ने कृष्ण की भूमिका निभाई थी, वहीं प्रदीप कुमार ने, अर्जुन दारा सिंह ने भीम और पद्मिनी ने द्रौपदी का किरदार निभाया था। तो सबको बता दें कि एक्ट्रेस पद्मिनी को सन 1970 की राज कपूर की फिल्म मेरे नाम जोकर से भी पहचाना जाता है। 1965 में बनी इस महाभारत को तमिल भाषा में भी डब करके पांचाली सप्तम नाम से रिलीज किया गया था। वह इस फिल्म को सन 1983 में संपूर्ण महाभारत के नाम से गुजराती भाषा में भी बनाया गया था। दोस्तों, बाबू भाई मिस्त्री ने इसके अलावा संपूर्ण रामायण, भगवान परशुराम और हनुमान विजय जैसी कई माइथोलॉजिकल फिल्मों को डायरेक्ट किया है अपने समय के स्पेशल इफेक्ट्स मास्टर के रूप में जाने जाने वाले बाबूभाई मिस्त्री को सन 1999 में जोशीले अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। वही बात करें इंटरनेशनल प्रोडक्शंस की, तो सन 1989 में ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रुक ने लगभग 6 घंटे के समय में महाभारत की पूरी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा था। पीटर ब्रुक जाने माने थिएटर डायरेक्टर है जिन्होंने 8 साल की रिसर्च के बाद महाभारत की कहानी फिल्म के रूप में बना। इसे UK, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, अमेरिका जैसे कई देशों में फिल्म के रूप में रिलीज किया। सन 1989 में बनी इस फिल्म का म्यूजिक रविंद्रनाथ टैगोर ने म्यूजिक कंपोजिशन से लिया था। दोस्तों, वही साल 2013 में महाभारत की कहानी पर अमान खान ने एनिमेटेड फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को साल 2013 के क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया था। इस एनिमेटेड फिल्म को सबसे खास बात ये थी कि इस बॉलीवुड में जाने माने एक्टर और एक्ट्रेस के किरदार से प्रभावित होकर डिजाइन किया जाता है। इसमें अमिताभ बच्चन ने भीष्म पितामह की भूमिका निभाई थी और वहीं अजय देवगन ने इस किरदार में नजर आए थे। इसके अलावा अनिल कपूर कर्ण, जाकी श्रॉफ दुर्योधन, विद्या बालन द्रौपदी, मनोज बाजपेयी, युधिष्ठिर, सनी देओल, भीम और शत्रुघ्न सिन्हा ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था। तो सभी शकुनी और द्रोणाचार्य के किरदार में अनुपम खेर और आशुतोष राणा ने अपनी आवाज़ दी थी। हम आपको बता दें 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 1.5 करोड़ का बिजनेस किया था। जी हाँ दोस्तों, जो इस फिल्म के लिए काफ़ी घाटे का सौदा साबित हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के किरदारों को आवाज़ देने के लिए किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने कोई भी फीस नहीं ली थी और इसके साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट होने की वजह से महाभारत की इस एनिमेटेड फिल्म ने 50 करोड़ के इंश्योरेंस के बूटे अपने नुकसान की भरपाई की थी। वही बात करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो आज तक महाभारत जैसे बड़े प्रोजेक्ट को हाथ लगाने की हिम्मत बहुत ही कम निर्देशक कर पाए हैं। साल 2015 में बाहुबली फ्रेंचाइजी की नींव रखने वाले डायरेक्टर SS राजामौली महाभारत को बड़े पर्दे पर उतारने की इच्छा जाहिर करते रह चुके हैं। दोस्तों, राजामौली के मुताबिक महाभारत की कहानी को वे 5 हिस्सों में बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि महाभारत जैसी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने का हुनर अभी उनके पास नहीं है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इस बात पर किसी तरीके का भी जवाब देने के लिए अभी बच रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ के बजट पर बनने वाली महाभारत फिल्म में बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के कई जाने माने चेहरे नजर आ सकते हैं। दोस्तों, जिसमें अमिताभ बच्चन, भीष्म, अर्जुन रामपाल, युधिष्ठिर, प्रभास भीम, ऋतिक और रोशन कर्ण के रूप में फरहान अख्तर अर्जुन और अजय देवगन दुर्योधन के किरदार में नजर आ सकते हैं। और वहीं दीपिका पादुकोण को द्रौपदी, रजनीकांत को द्रोणाचार्य और विद्युत जामपाल और रणवीर सिंह को नकल और सहदेव की भूमिका में देखा जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबली जैसी और ग्लोबल फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।